नारायण नारायण नारायण। आज हम तंत्र बाधा अथवा भूत प्रेत बाधा आदि जो देवी बाधाएं होती हैं उसका निवारण कैसे हो, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे पास बहुत सी लोगों ने ईमेल किए हैं, तो उसमें अनेक प्रकार की ऐसी ऐसी बाधाओं का वर्णन किया है कि मैं उसे पढ़ता हूँ तो बड़ा कष्ट अनुभव करता हूँ। वास्तव में ये देवी बाधा इस प्रकार की जटिल समस्या होती हैं कि जो इसके एक चक्कर में आ गया, इसके प्रभाव में आ गया, तो उसका जीवन, उसके परिवार का जीवन सभी प्रकार से एक नरक जैसा बन जाता है। भगवान करे इस प्रकार की समस्याओं से किसी को गुजरना न पड़े। परंतु आज समाज में राग, द्वेष और ईर्ष्या का भाव इतना अधिक प्रचलित हो गया है कि हम एक दूसरे को देख, उसका सुख देखकर, एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या भाव से ग्रसित हो जाते हैं। विशेषकर महिलाओं में ये द्वेष की भावनाएं परिवार के अंदर इतनी अधिक प्रचलित हो जाती हैं कि वो किसी भी तरीके से, खास करके आजकल जो चैनलों में कोई तांत्रिक बाबा और जिसमें साईं बाबा की फोटो लगी रहती है, फलाना बाबा, ढिमका बाबा, 24 घंटे में हम ऐसा कर देंगे, मुठ कर देंगे, करनी कर देंगे, वशीकरण कर देंगे, इस प्रकार के जो गारंटेड बातें करके लोगों को जो भ्रमित करते रहते हैं। माना कि उसमें सत्यता भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन वो कहाँ तक सत, कितनी प्रतिशत वो सक्षम है वो तो वही जाने और जो उनके पास जाते वो लोग ही जाने। परंतु तांत्रिक क्रिया है, तांत्रिक बाधा, ये एक सत्यता है। चरक संहिता में भी इसको देवी वपाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत इसका वर्णन आता है। तो ऐसे अनेक जो बाधा से ग्रसित होते, बहुत से प्रश्न करते हैं कि हम इसको बजरंग बाण से उसको ठीक कैसे करें। अधिकांश लोगों को ये लगता है कि बजरंग बाण के प्रयोग से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएगी, समस्या दूर हो जाएगी हमारी। परंतु सत्यता ये इस प्रकार की नहीं है। हमें पहले इस बाधा कैसे होती, कितने प्रकार की होती हैं, हम किस बाधा से पीड़ित हैं, पहले इसको समझना जरूरी है। उसके बाद ही उसका इलाज हम लोग कैसे किया जाए उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक हमें रोग नहीं मालूम हुआ तब उसका हम लोग इलाज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम किस बाधा से पीड़ित है, ये समझना हमें आवश्यक है। तो मैं आपको इसका थोड़ा वर्णन करके अपनी सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करता हूँ। कहाँ तक मैं समझा पाऊँगा और कहाँ तक आप समझ पाएंगे ये तो आप ही और हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें चार प्रकार की बाधा होती है, एक अनुमानित रूप से। एक तो होती है तांत्रिक बाधा। तांत्रिक बाधा कैसे, जैसे तंत्र क्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर जो तंत्र मार्ग की 6 क्रियाएं होती है उसमें से शांति कर्म है, फिर कुछ क्रिया ऐसी होती है जैसे उच्चाटन, विद्वेषण, मारण, स्तंभन, ये जो क्रियाएं होती है ये इसको तांत्रिक क्रिया कहती हैं। उसमें एक शांति कर्म भी होता है, एक वशीकरण होता है, ये 6 क्रियाएं होती है तांत्र में। तो शांति कर्म तो शांति करने के लिए होती है, किसी प्रकार का कोई दोष बाधा आ गया तो उसकी शांति के लिए होती है। दूसरी है वशीकरण की, उसी को मोहन वशीकरण एक ही श्रेणी में आता है। फिर एक है आकर्षण, इसी में आकर्षण मोहन वशीकरण एक ही हो गया क्रिया ही। फिर एक स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण, ये क्रियाएं यदि किसी के व्यक्ति पर होती हो सकती हैं, उसके परिवार पे हो सकती है, उसके जो आर्थिक स्थिति परिस्थिति है उस पर भी ये क्रिया हो सकती है। जैसे स्तंभन की क्रिया हो जाती है तो उसके आर्थिक
जीवन में उसके समस्या आ जाती है। उच्चाटन क्रिया अगर किसी पे कर दी जाए तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो पागलों जैसा व्यवहार करता है, उसके अंदर क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। विद्वेषण की मात्रा अगर किसी पर क्रिया कर दिया जाए तो परस्पर घरों में कलह बढ़ने लगता है। मारण क्रिया होती है तो कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित होकर वो अंत में धीरे 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 मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है, रोग ग्रसित हो जाता है। मारण में भी कुछ क्रिया ऐसी होती है जो केवल रोग ग्रसित करने के लिए होती है, कुछ वो क्रिया ऐसी होती है जो मारण करने के लिए होती है, सीधी मृत्यु की तरफ। तो यदि कोई तांत्रिक अपने किसी पर ये क्रिया कर देता है, जैसे क्रिया भी करेगा तांत्रिक भी तो किसी के द्वारा करवाएगा भाई कि नहीं ये हमारा व्यक्ति है, इसने इसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करना है, तो अधिकांश जो दुष्ट मानसिकता के, नीच मानसिकता के जो तांत्रिक होते हैं, जो आजकल ये सब प्रचार करते हैं कि नहीं हम फलाने बाबा हैं, ये वशीकरण कर देंगे, किसी मूठकरणी कर देंगे, ये एक उन्हीं साबरी मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं, किसी प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं, किसी पिशाच को सिद्ध कर लेते हैं। तो जो जैसे मानसिकता का होता है, जो तमोगुणी मानसिकता के लोग होते हैं तो वो तमोगुणी शक्तियों की आराधना करते हैं, और उनकी मनोवृत्ति भी है लोगों को परेशान करना, कष्ट पहुँचाना, तकलीफ देना। ये समाज में आसुरी शक्तियाँ देवी शक्तियाँ दोनों प्रकार के होते हैं, तो आज तो आसुरी मानसिकता के लोग अधिक मात्रा में है। भगवद गीता में भी इनके बारे में कहा गया कि ऐसे लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। नमाम दिस्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो नरों में अधम लोग होते हैं। माया या अपरित ज्ञान आसुरम भाव माश्रिता, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, जो आसुरी भाव के लोग होते हैं, जिन्होंने भाव का आश्रय कर लिया है, वो मेरी भक्ति नहीं कर सकते। तो जो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते तो वे भूत प्रेतों की भक्ति में लग जाते हैं। तामसी क्रिया है, इसका भी वर्णन शास्त्रों में आते हैं। तो जितनी भी उच्चाटन आदि की जो क्रियाएं होती हैं वो तामसिक शक्ति के द्वारा ही की जाती हैं। तो जब ये किसी के ऊपर क्रिया हो जाती है तो उनके घरों में इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है। तो इन समस्याओं से, इस समस्याओं से जब कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो उसको तांत्रिक बाधा कहते हैं। दूसरी बाधा होती है प्रेत बाधा, भूत या प्रेत। भूत तो भूत बाधा क्या होती है, भूत प्रेतों में थोड़ा सा हम लोग अंतर समझना पड़ेगा। भूत एक योनि है, जैसे देव योनि है, यक्ष योनि है, गंधर्व योनि है, ऐसे ही एक भूत योनि है, प्रेत योनि नहीं है। प्रेत उनके पास योनि नहीं है, मतलब शरीर नहीं है उनके पास कोई, देवी शरीर भी नहीं है। जो बिना शरीर के होते हैं उनको प्रेत कहते हैं, और भूत एक योनि होती है। जैसे भूत गणादि सेवितम, गणेश जी के बारे में हम कहते हैं कि वे भूत गणों के द्वारा सेवित, उनकी सेवा करते, भूत गण उनकी सेवा करते हैं। तो ये जो गण है ये भगवान शंकर के गण होते हैं, जिसके स्वामी गणेश, भगवान गणेश जी है, इसलिए उनको गणेश कहा जाता है, गणों के ईश। तो कौन से गण, यही जो भूत गण होते हैं। तो ये भूत एक योनि होती हैं, और ये जो समाज में कोई अशुभ कर्म करता है तो उसको दंड देने के लिए ये भगवान शंकर की तरफ से नियुक्त होते हैं। जैसे कोई संध्या के समय भोजन करता है, संध्या के समय में वो शयन करता है, सोता है, झूठे मुँह कोई सो जाए, पूजा पाठ में गणेश जी का स्मरण न करे, उसमें दोष आ जाता है, तो ऐसे समय में ये भूत जो होती बाधा उसको हो जाती है। ये भूत बाधा जो है एक अलग से बाधा हो गई। दूसरी बाधा होती है प्रेत बाधा। प्रेत उसको कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो मृत्यु के बाद प्रत्येक व्यक्ति प्रेत बनता है। प्रत्येक व्यक्ति के, एक सन्यासी का जो संस्कार होता है, जो अगर वो भगवान का जो भक्त है, अगर उसको लेने के लिए भगवान के गण आ गए तो ठीक है, नहीं तो 13 दिन तक प्रत्येक व्यक्ति को प्रेत बन के रहना पड़ता है। और इसीलिए आप, हम लोग गरुड़ पुराण में पढ़ेंगे, या जो भी जो उसके संस्कार 13 दिन का जब संस्कार हो जाता है तो प्रेत के निमित्त उसको पिंड दान किया जाता है। पिंड माने शरीर, उसके पास शरीर है नहीं उस प्रेत के पास, तो उसको हमको शरीर का दान करना पड़ा ताकि वो आगे की यात्रा कर सके। जब उसकी यात्रा नहीं हो पाती इसलिए वो 13 दिन तक उसी श्मशान की क्रिया में रहता है। जैसे कोई भी व्यक्ति श्मशान में जब प्रेत उसका शरीर जाता है, शव जाता है, तो उस श्मशान का जो स्वामी होता है उसके वो वशीभूत में हो जाता है। उसी श्मशान के स्वामी को लोग मसान कहते हैं। 13 दिन तक उसके वश में रहना पड़ता है, जब तक उसकी क्रिया नहीं होगी वो आगे की यात्रा नहीं कर सकता। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में ये जो मृत्यु भोज है, भोजन आदि कराना, और ये
जो 13 दिन का जो संस्कार होता है विधि विधान के साथ कराना बहुत आवश्यक है। यदि नहीं होता है तो वो जो जीवात्मा है वो प्रेत योनि में ही भटकता रहता है। अगर विधि विधान से उसके शुभ कर्म हो जाए तो वो आगे की यात्रा करता है, चाहे वो पितृ योनि में चला जाए, मनुष्य योनि में चला जाए, या किसी भी जो अपने संस्कार के बस आगे बढ़ता है। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, भक्त होते हैं, वो तो चलो भगवान के धाम में चले जाते हैं, उनके फिर भी उनकी भी क्रिया ये आवश्यक होती है। सन्यासी भी बनता है तो ये सारी अपनी क्रिया करने के बाद ही सन्यासी बनता है, इसलिए सन्यासी को ये सब क्रियाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। परंतु अगर यदि किसी का काल मृत्यु होती है और यदि ये संस्कार की जो क्रिया अगर शुद्ध रूप से नहीं हुई तो वो भी प्रेत योनि में चला जाता है। तो जब ये व्यक्ति उसका संस्कार नहीं होता, प्रेत योनि में रहता है, तब वो प्रेत बन के उसकी जो वासनाएं रहती, इच्छाएं कामनाएं रहती है, उसकी पूर्ति करने के लिए वो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। खास के परिवार को परेशान करते हैं, विशेषकर जो से संबंधित लोग होते हैं, इन्हीं प्रेतों को, खास करके जो तांत्रिक लोग होते हैं इन्हीं को सिद्ध करते हैं। जो तांत्रिक लोग अपने पास जो खोपड़ी रखते हैं उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे एक रहस्य होता है। जिस व्यक्ति का संस्कार नहीं हुआ, मतलब उसकी खोपड़ी जब संस्कार हो जाएगा तो पहले खोपड़ी फोड़ दी जाती है, मस्तिष्क उसका फोड़ दिया जाता है ताकि उसके प्राण निकल जाए। लेकिन किसी की खोपड़ी है, मतलब उस व्यक्ति का संस्कार, उस आत्मा का संस्कार नहीं हुआ है जिसका ये खोपड़ी है, तो वो जब तक उसका संस्कार नहीं होगा तब तक वो जो खोपड़ी के साथ उस प्रेत का शरीर जुड़ा रहता है सूक्ष्म रूप से। तो उसी के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, और उसमें शराब पीना, उसमें खाना पीना, इस तरह करने से उस खोपड़ी का जो प्रेत होता है, जो प्रेत शरीर हो जिसका भी रहता है, वो प्रेत रहता है, उसके साथ ये सिद्धि कर लेते हैं तांत्रिक लोग, और फिर उसी से वो सारे कर्म करवा लेते हैं। ये एक तामसिक क्रिया होती है और इस तरीके से वो प्रेत उनके बंधन में रहता है। तो ये जो प्रेत होते हैं, जो भ्रमण करते रहते हैं, जिनकी सदगति नहीं हुई है, तो वो जब बाधा किसी को होती है तो उस किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, स्वतः प्रवेश करते हैं, तो वो प्रेत बाधा, और किसी तांत्रिकों के द्वारा भेजे जाते हैं तो उसको तांत्रिक बाधा कहते हैं। जब दो तांत्रिक उन प्रेतों को सिद्ध कर लेते हैं, जैसे ये खोपड़ी वाला जो होता है, तो जिसके पास होता है उसको प्रेत सिद्ध हो जाता है, तो उसके द्वारा कार्य करवा लेता है, तो उसको तांत्रिक बाधा। तीसरी जो बाधा होती है वो होती पितृ बाधा। तो जो हमारे पितृ हैं मृत्यु के बाद, तो वो प्रेत शरीर में चले जाते हैं। जब प्रेत, जब उनका सदगति हो जाती है, तो वहाँ से जब उनका शरीर प्रेत के जो संस्कार पूर्ण हो जाते हैं, तो फिर वो पितृलोक में चले जाते हैं। पितृलोक में जब चले जाते हैं तो वहाँ पर वो, जब तक उनको नया गर्भ नहीं मिलता तब तक वो वहाँ पर वास करते हैं। एक प्रकार से वो वेटिंग रूम जैसा उनका होता है। जब तक तुम्हें नया शरीर नहीं मिला तब तक आप उसमें पितृ बन के रहो। तो वहाँ पर पितृलोक का नियम होता है, उनके पितरों के नाम श्राद्ध और तर्पण बराबर हमें करना चाहिए। और जो हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं वही उनको प्राप्त होता है, अन्यथा उनको दूसरा कहीं उनको अन्न मिलता नहीं है। तो जो लोग श्राद्ध और तर्पण की क्रिया नहीं करते हैं जैसे, तो उनके जो पितृ भूख से और प्यास से जब परेशान होते हैं तब वो अपने परिवार वालों को कष्ट पहुँचाना शुरू करते हैं, तो उसको पितृबाधा कहते हैं। और पितरों का श्राप जब जिसके घर में होता है तो सबसे पहले तो उसके संतान कुमार्गामी होती है, धन की बाधा उनके घर में अधिक आने लगती है और घर में कलह होना लगता है। तो समझ लेना चाहिए कि पितृदोष है। और पितृ स्वप्न में भी दर्शन देते रहते हैं बराबर, कि मैं कष्ट में हूँ, परेशान हूँ, कैसे भी हूँ, तो पितृलोक स्वप्न में दर्शन देते रहते हैं। जिनके पितृ शुभ शुभ संस्कारी होते हैं उनकी रक्षा भी करते हैं। अगर हम श्राद्ध तर्पण क्रिया करते हैं तो वो उनका उद्धार होता है। और एक चौथी बाधा होती ग्रह बाधा। ग्रह बाधा जैसे जो दुष्ट ग्रह होते हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फिर कष्ट पहुंचाते हैं, तो उसमें हमारा अपने कर्म ही कारण होते हैं, न कि वो ग्रह कारण होते हैं। जैसे कोई, कुछ लोग शनि से बड़े घबराते हैं, तो शनि हमारे ऊपर तभी हमें कष्ट पहुंचाएगा जब हमारे बुरे कर्म भोगने का जब समय होता है, तब उनके जैसे 7:30 अगर आ गई हमारी और हमारे कुंडली में अगर शनि गलत भाव में बैठा हुआ है, तो अगर हमें उसके कारण कष्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे बुरे जो कर्म हमने किए हैं उसके कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है, तो वो कष्ट पहुँचाते हैं। तो ये 4 मुख्य बाधाएं होती है जिससे आम आदमी, मनुष्य जो होता है, देवी बाधाओं के द्वारा पीड़ित होता है। तो ये 4 प्रकार की बाधा हैं, ये पहले समझ लीजिए।
पहले तो एक तांत्रिक बाधा, प्रेत बाधा, पितृ बाधा और ग्रह बाधा। तो इसका समाधान कैसे होता है? तो हम लोग अब नीचे से सरल समाधान लेना शुरू करते हैं। पहले तो ग्रह बाधाओं का समाधान होता है दान आदि सत्कर्म करिए, पुण्य कर्म, जैसे कि जो ग्रहों के विधान होते हैं उसके अनुसार आप करो तो ग्रह बाधा शांत तो होती थोड़ी देर की, परंतु जो ग्रह बाधा का जो भोग होता है वो भोगना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है तो फिर उसके लिए भी मंत्र साधना वगैरह जप वगैरह है, लेकिन वो उसे जैसे वो शांति हो सकती है, उसके द्वारा वो ग्रह बाधा पूरी तरह नष्ट नहीं होती। वो भोग दंड है, वो तो सबके कर्म का रहता है, उसको भोगना ही पड़ता है। जैसे कोई मरीज रोगी हो गया तो डॉक्टर उसको दवा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो उसका रोग का जितना समय भोगना होता है उतना उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना ही पड़ेगा। दवा तो चल रही है उसकी, रोगों की शांति भी थोड़ा सा हल्का फुल्का उसमें शांति है, लेकिन वो भोग उसका चल रहा है। 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना दवा भी चलेगी और उसका रोग भी चलेगा। तो इस प्रकार का ही ये उपाय ग्रह बाधा में होता है। दूसरा होता है अपन पितृ बाधा। पितृ बाधा के लिए तो सबसे बढ़िया ये हो कि जो वर्ष में जो ये 15 दिन के लिए जो हमारे श्राद्ध तर्पण आदि जो श्राद्ध का जो पक्ष होता है उसमें अपने पितरों के निमित्त अपने परिवार के सदस्यों को, चाहे जैसे बालक कन्या वगैरह बुलाकर उनको भोजन कराना, ब्राह्मण आदि लोग होते हैं उनको भोजन कराना, ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण को ही कराया जाए, आप बच्चों को भी बुलाकर उनके माध्यम से भी करा सकते हैं। बच्चे हैं, कन्या भी उसमें होनी चाहिए, कम से कम 6 लोगों को आप घर में बैठा के उनको 15 दिन तक भोजन कराएं। और अमावस्या और ये दक्षिणायन ये जो होता है ये इनका पितरों का ही दिन माना जाता है, तो आप उनके निमित्त कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई पितृ बाधा में से कोई अगर पितृ जो है घर में और ज़्यादा समस्या ग्रसित हैं, तो जैसे घर में सत्कर्म करने से, भागवत कथा प्रवचन सत्संग आदि करने से भी पितृ लोग प्रसन्न होते हैं, उनके निमित्त श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। ये बिल्कुल हमारे ऋषि मुनियों ने इतना अध्ययन करके मानव समाज के विश्व कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः इस भावना के साथ जो विधि विधान और संस्कार बनाए हैं उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। कुछ आधुनिक लोग ये मृत्यु भोज और ये सब चीज़ों को लेकर बड़ा विरोध करते, कहते कि इससे होता क्या है, समाज में माना कि इसके नाम पर थोड़ा बहुत दोष है, तो दोष उन व्यक्ति का है, उस विधान का नहीं है, दोष विधान में नहीं है। कुछ लोगों में दोष आ जाता है, उस विधान का दुरुपयोग करने लग जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि जो हमारे ऋषियों ने विधान बनाए, नियम बनाए, तो वो गलत है। धर्म का जो विधान बना है, धार्मिक जो विधान बना है, वो जगत कल्याण के लिए है। अब कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग करके समाज को थोड़ा अपना स्वार्थ सिद्ध करता है तो उस व्यक्ति का दोष है, न कि उस विधान का दोष है। लेकिन अपने ये जो हमारे ऋषि मुनि ने हमारे जगत कल्याण के लिए बनाया ये विधान बनाया, उसका पालन करना चाहिए, तो उससे ये पितृ बाधा शांत हो जाती है। अब आ गई प्रेत बाधा। तो प्रेत बाधा के लिए आप बजरंग बाण का जब पाठ करेंगे तो भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मर, इन्हें मारो तो ये शपथ राम की, राखो नाथ तो मर जाद नाम की। उसमें बजरंग बाण में आता है कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल, अग्नि बेताल होता है, काल मारी मर, मारी मर का मतलब होता है जो महामारी होती है, इस प्रकार से मारी और महामारी होती है। जब कोई स्त्री मर जाती है प्रेत योनि में प्राप्त होकर, जो अनेक बहुत समय तक प्रेत योनि में रहती हैं, तो उसको मरी कहते हैं, उसी को मारी कहा जाता है, मरी को ही मारी कहा जाता है। और एक होता है मर, मर माने जो मर गया है, जो प्रेत वही वही प्रेत ही मान के चलते, जो एक प्रेत बन के जो अधिक समय तक रह जाते हैं तो वो मारी और मर के रूप में वो श्मशान में वास करते हैं। इन लोगों को ये जो प्रेत बाधा होती है ये बजरंग बाण से पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब प्रेत बाधा अधिकांश कैसे होती हैं, जैसे श्मशान में चले गए, कोई पेशाब करे या कोई थूक गया, मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे केसेस आई, मैंने उसको समाधान भी किया कि जैसे एक हमारे क्षेत्र में एक लड़का था, गया किसी जगह पेशाब करने के लिए, वो सूखा हुआ कुआ था, वहाँ पेशाब कर दिया, तुरंत ही उस कुएं में कोई प्रेत रहा होगा, उसने पकड़ लिया उसको। फिर हमने उसको जब बुलाया, बातचीत किया उससे, तो उसने पूरा नाम गाम पता अपना सब बताया कि मैं कैसे मरा, कहाँ कहाँ मरा, कैसे, सब कुछ बताया उसने।
फिर मैंने कहा कि भाई तूने इसको पकड़ा क्यों, तो उसने कहा कि इसने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। मैंने कहा कि तू बच्चे आदमी, इसको क्या मालूम है कि तुम कहाँ पे रह रहे हो, ये तो अपना मन में आया, इसने पेशाब कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, इसे शोषण, ये बच्चे से गलती होगी, तुम बताओ समाधान क्या होगा। तो उसने फिर बताया कि ऐसे ऐसे पूजा कर दो, हम छोड़ देंगे इसको। तो फिर उसने इसको छोड़ दिया। हमारे क्षेत्र में ये सारा एक प्रसिद्ध किस्सा है, ये तो बहुत लोगों ने देखा है इसको। तो इस तरह के मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे और इसका समाधान भी देखा है। तो ये प्रेत बाधा जो होती है, जो सहज, जो बाहर से स्वतः आ जाती है, अगर कोई हम अपराध करते हैं, जैसे हमने बताया कि हम दोपहर संध्या के समय सोते हैं, संध्या के समय दीपक नहीं जलाते हैं, संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए क्योंकि संध्या काल जो होता है इन भूत भूत योनि का घूमने का समय होता है संध्या का। और झूठे झूठा मुंह अगर कोई सोता है तो उसको भी भूत बाधा हो जाती है, तो झूठा मुंह नहीं सोना चाहिए, मुंह साफ करके सोना चाहिए। ये सब हमारे जो विधान है, जो हमारे नियम हमारे बने हुए हैं धर्मशास्त्री विधान का, जो पालन नहीं करते हैं तो उनको ये भूत बाधा होती है। प्रेत बाधा जो है, ये जो प्रेतात्मा घूमती है, वो फिर किसी को सुंदर लड़की को देख ले, अगर उसका उसके अंदर कोई उसका उसके साथ किसी प्रकार से अपराध हो जाता है, या उनको किसी के अंदर भोजन करने की इच्छा होती है तो उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, या कोई किसी भी कारण से वो वासना ग्रसित होकर उनकी इच्छा पूर्ति के लिए वो किसी न किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उसको प्रेत बाधा कहते हैं। तो ये प्रेत बाधा जब किसी के शरीर में हो जाते हैं तो वो बहुत अधिक भोजन करने लग जाएगा, शरीर सूखने लग जाएगा, उसको तरह तरह के रोग होने लग जाएंगे, उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन से किस प्रकार का रोग हो गया, मन उसका उच्चाटन हो जाता है, आर्थिक जगत में उसको जो कोई नौकरी आदि में जो उससे बाधाएं आने लगती है, ये सारी बाधाएं प्रेत योनि में होती हैं। तो ये बजरंग बाण से उसका बिल्कुल सटीक समाधान हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सबसे बड़ी मुख्य बाधा जो आती है वो है तांत्रिक बाधा। तांत्रिक बाधा में जो तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा उनका बंधन बना के जब इन देवी योनियों को, दुष्ट योनियों को जब किसी के घर में भेजा जाता है जिस कार्य के लिए कि उसके घर को बर्बाद कर दो, उसके वंश का नाश कर दो, या उन लोगों के अंदर विद्वेषण कर दो, ये तांत्रिक मंत्रों के द्वारा, विशेषकर साबरी मंत्रों के द्वारा, या कोई प्रेत व्रेत कोई सिद्ध कर ले उसके माध्यम से, ये जो तांत्रिक क्रियाएं जो होती है वो बहुत बड़ी भयानक क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं में जैसे कि ब्रह्म बाधा एक और होती है, ब्रह्म राक्षस होता है सबसे शक्तिशाली। मुस्लिम तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा जो विशेष रूप से मुसलमान, जैसे मुस्लिम इस्लाम में ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं वो लोग करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस्लाम में सबसे अधिक तंत्र मंत्र इस्लाम के अंदर चलता है, खास करके जिन्नों और जिन्नातों की पूजा, दरगाहों में पीर की पूजा, ये सब है, खूब खूब है इन लोगों में। तो ये लोगों में तो और ही अधिक रहता है क्योंकि इनके अंदर संस्कार होते नहीं, तो अधिकांश ये लोग सब प्रेत योनि में ही जाते हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं थोड़ी पीर योनि में चल, औलिया वगैरह पीर योनि में चले जाए तो बात अलग है, अधिकांश इन लोगों में जिन्न और ये बन जाते हैं। तो इन लोगों में भी जैसे हमारे यहाँ प्रेत होते हैं तो उनके इसमें उसको रूह कहते हैं, और जब यही रूह कुछ दिन रह जाती हैं तो वो जिन्न बन जाती हैं समय कुछ 50-100 साल के बाद, और उससे भी अधिक जब समय रहते तो वो जिन्नात बन जाते हैं। जिन्नात तो इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो शरीर स्वयं शरीर धारण करके किसी भी स्त्री के साथ मतलब जो है अशुभ क्रिया भी, वासनात्मक क्रिया भी कर लेते हैं। इनकी पहचान होती है कि जब ये घरों में आते हैं तो इत्र की सुगंध वगैरह आने लग जाती है। तो इस प्रकार की जब जिन्नात बाधा होती है, जिन्न बाधा होती है तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, और ख़ास करके जैसे आजकल जितने भी मैं देख रहा हूँ कि ये लोग जितने भी ये खान बाबा फलाने बाबा जो पैदा होते, वो जैसे किसी मजार में जो प्रेत होता है जिसको जिन्न ये लोग कहते हैं, मजार के जो प्रेत है उनको वो जिन्न कहते हैं, वो जिन्न ही है वो, और जब वो शक्तिशाली हो जाता है तो जिन्नात हो जाता है। तो जिन्नात इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, हमारे यहाँ के ब्रह्म राक्षस और उनके यहाँ के जिन्नात दोनों बराबर के शक्तिशाली होते हैं। इन सबका इलाज, इन दोनों शक्तियों का इलाज केवल हनुमान जी की साधना से या तो फिर पीताम्बरा माँ की साधना से ही होता है, माँ बगलामुखी पीताम्बरा साधना के द्वारा। तो ये जो तांत्रिक, ये अगर किसी ब्रह्म भेज दिया जाए, जिन्न भेज दिया जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वो पूरा घर को एकदम पूरी तरह से तहस नहस कर जाता है और वो किसी की वहाँ पर बस नहीं चल सकता। तो जिन घरों में सात्विक बहुत परंपरागत अच्छी कोई किसी संत की, गुरु की कृपा है, इष्ट की कृपा है, तो वहाँ पर ये सब तो शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। जहाँ हनुमान जी की बड़ी विशेष कृपा है वहाँ पर भी शक्तियाँ काम नहीं करती, लेकिन तांत्रिक क्रिया है
अगर उसका उसको किसी के ऊपर भेज दिया जाए, या उसके पीछे अगर ये खास करके इस्लामिक रूप में अगर ये कोई तांत्रिक किसी ने अगर लगा दिया, तो इसका बड़ा असर होता है। और इन लोगों में खूब चलता है मजारों में पूजा करना, दरगाहों में पूजा करना, और जिन जिन्नातों का ये सब बहुत अधिकांश। तो अब तो हमारे हिंदुओं का तो समझ लीजिए मानसिक रूप से ऐसा पतन हो गया है कि खास करके जो अच्छे अच्छे तांत्रिक प्रकृति के लोग हैं, जिन्नों की, जिन्नों की भी पूजा करने लगे, मजारों में जाकर पूजा करने लगे, पीरों की पूजा करने लगे। हमारे हिंदू लोग भी जो है इन सब चीज़ों में आकर जब उनको प्रेत बाधा से पीड़ित हो जाते, मजबूरन वो मस्जिदों में, दरगाहों में और यहाँ वहाँ जाकर, यहाँ तक कि धर्मांतरण भी कर देते हैं, तो ये उनका नैतिक पतन हो चुका है। ये उनका सबसे जीवन का दुर्भाग्यशाली समय होता है। अगर वो बेचारे पीड़ित आदमी वो करे भी क्या, लेकिन ऐसे अगर कोई एक प्रेत बाधा से पीड़ित होता है, तो वो सालासर हनुमान जी है, कुछ ऐसे संत के द्वारा भी इसकी क्रियापन करके उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन उनकी परंपरा अपनी अलग है, उनका माध्यम मार्ग अलग है, उस और हम लोगों का मार्ग अलग है। वो लोग मृत्यु के बाद जो संस्कार होते हैं उसको बिल्कुल मानते ही नहीं है। वो भले ही वो कह देते हैं कि नहीं, हम अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के सिवा किसी अन्य को नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो पीरों की पूजा होती है वहाँ पे, जिन्नों की मजारों में पूजा होती है। तो ये सब क्या है, कहने के लिए सब सब लोगों का रहता है, लेकिन सब इसमें चलता है। ईसाइयों में भी अभी बीच में हमने कहीं पढ़ा था अखबार में आया कि वहाँ वेटिकन सिटी में पादरियों ने वहाँ जादू टोने का विशेष 20 दिन का विशेष कोर्स करवाया गया, और ये वहाँ पर भी जादू टोना ईसाई धर्म में भी खूब चलता है। तो इन सब से बचने का उपाय क्या है, कैसे हैं, और ये बाधा अगर हो तो इसका समाधान कैसे निकाला जाए, ये बहुत आवश्यक है जानना। और इसके लिए बजरंग बाण तो चलिए अपना एक सहज है कि उस भूत प्रेत बाधा तो ठीक है, लेकिन तंत्र बाधा, तांत्रिक बाधाओं में ये बजरंग बाण काम नहीं करता है। बजरंग बाण का प्रयोग अगर किसी अगर पाठ करेंगे तो आपको कोई शत्रु या कोई परेशान कर रहा है, तो वो लोग आपस में ही, जैसे बहुत से लोग कहते हैं मुझे कि महाराज जी बजरंग बाण मारण का विधि बताइए, बजरंग बाण कैसे भेजा जाता है, तो बजरंग बाण मारण की कोई विशेष विधि नहीं होती है। जब आप इसको पाठ करोगे किसी संकल्प के साथ, जिस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई वास्तव में आप सज्जन हो और वो दुष्ट व्यक्ति है, तो वो स्वतः ही उस हनुमान जी अपना अपना वो जानते हैं कि मेरे भक्तों को क्या परेशानी है, तो वो अपने हिसाब से हनुमान जी काम कर देते हैं। अलग से कोई मारण प्रयोग नहीं होता है, माना कि उसकी विधि भी होती है, लेकिन उसको जानने की और विशेष करने की आवश्यकता भी नहीं है कि भाई विशेष रूप से किसी व्यक्ति को टारगेट करके भेजा जाए। वो सब और अच्छे जो मंत्र के ज्ञाता होते हैं वही ये सब कर सकते हैं, और उन्हीं को ही करना चाहिए, बाकी ये सब लोगों को नहीं इसमें पढ़ना चाहिए। आप पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके शत्रु बाधा और ये भूत प्रेत बाधा दूर हो जाएगी, लेकिन जो तांत्रिक बाधा होती है उसमें बजरंग बाण उतना सफल नहीं होता है। तांत्रिक बाधा का फिर समाधान कैसे हो, यदि ऐसी क्रिया होती हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात, तो इसके लिए एक शक्ति देवी बनी है, उसका नाम है माँ बगला, भगवती बगलामुखी। इनको विशेष रूप से आप ये जो तांत्रिक बाधाएं होती है इसको संस्कृत में आभिचारिक कर्म कहते हैं। तांत्रिक क्रियाओं को संस्कृत में अभिचार अभिचार कहते हैं, तो वही आभिचारिक कर्म हो गए। उसको स्तंभित करने की, उसको नष्ट करने की शक्ति का नाम ही है ये बगलामुखी। पीताम्बरा भी उन्हीं का नाम है, वल्गामुखी वैसे उनका शुद्ध नाम है, लेकिन उनको फिर बगलामुखी पीताम्बरा कहते हैं। तो इनका इनका प्रयोग कैसे करें, तो इसके लिए बगलामुखी पंजर स्तोत्र होता है। बगलामुखी पंजर स्तोत्र, इसके 10,000 पाठ करें यदि अपने घर में किए, मेरे घर विनियोग किसी विद्वान के द्वारा विनियोग सीख लें, और ये संकल्प करें कि मेरे घर में जो भी, अब मेरे परिवार के फलाने व्यक्ति के ऊपर ये अगर आभिचारिक कर्म है, माँ भगवती इसको दूर करे, तो उसका 10,000 पाठ करने से उसका समाधान होता है। एक बार में ना हो तो दूसरी बार करें, दूसरी बार ना हो तो तीसरी बार करें, तो परिणाम 100% इसमें मिलता है। यदि आप नहीं कर सकते तो किसी विद्वान आदमी के द्वारा ये कराए, जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण ही हो, किसी आप तांत्रिक से भी करा सकते हैं, किसी ब्राह्मण कोई भी व्यक्ति जो इसका अनुभवी ज्ञाता हो उससे आप करवाएं, इसका समाधान हो जाता है। दूसरा है, इन्हीं का एक प्रयोग होता है पर विद्या भक्षिणी प्रयोग होता है, उसमें वो तो बहुत जटिल प्रयोग है, कोई विशेष साधक ही कर सकता है ये। जब जीवन में अंतिम ऐसे किसी तांत्रिक क्रिया हो गई, कहीं इलाज न हो, कोई समाधान न मिल रहा हो, तो उसमें सबसे अंतिम में यही प्रयोग किया जाता है, इसकी पर विद्या भक्षिणी प्रयोग। ये ऐसा प्रयोग है जिसको जो कभी खाली नहीं जाता है, और ये बिल्कुल सटीक काम करता है।
पर सामान्य जो गृहस्थी हैं जिनको थोड़ी बहुत संस्कृत आती है वो बगलामुखी पंजर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दूसरा है कि यदि कोई व्यक्ति 10 महाविद्या का अच्छा साधक है, 10 महाविद्याओं में या दुर्गा जी का कोई अच्छा साधक है या उसके इष्ट मजबूत है, किसी गुरु गुरु के द्वारा अगर वो दीक्षा लेकर, जैसे भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, नारायण भगवान, इनसे भी अगर आप दीक्षा लिए हैं तो आप तांत्रिक क्रिया बिल्कुल आपके ऊपर असर नहीं करेगी। उसमें ये सब शक्तियाँ जो होती हैं वो काम नहीं करती हैं। तो एक तो बगलामुखी पंजर स्तोत्र से समाधान होता है। दूसरा है नरसिंह कवच होता है, नरसिंह भगवान का एक तांत्रिक कवच होता है, उसका पाठ करने से भी समाधान हो जाता है। नारायण कवच है और अमोघ शिव कवच है, गीता प्रेस में मिल, ये सब चीज़ें आपको गीता प्रेस की दुकान पे मिल जाएंगे सारे कवच। नारसिंह कवच विद्वान तांत्रिक विधान है इसलिए थोड़ा कम रहता है। फिर उसके बाद इन विद्या तांत्रिक बाधाओं का समाधान करने के लिए हनुमान जी के कुछ विशेष मंत्र हैं, उनके भी अगर जप किए जाए तो वो समाधान हनुमान जी की क्रियाओं के द्वारा जल्दी हो जाता है तांत्रिक बाधाओं में। क्योंकि ये जो जिन्न जिन्नात और या ब्रह्म राक्षस जैसी देव जो वो चुकुटी की जो तांत्रिक शक्ति है, जो बाधाएं होती है, उसका समाधान केवल हनुमान जी जैसे शक्ति कर सकती है। और एक हनुमान जी का स्तोत्र है श्री हनुमत वडवानल स्तोत्र, ये भी इस मामले में बहुत अच्छा शक्तिशाली प्रयोग होता है। और कुछ ऐसे साबरी मंत्र होते हैं जिसके द्वारा तांत्रिक क्रियाओं को वापस उसी व्यक्ति के ऊपर उल्टाया जाता है या उसे नष्ट किया जाता है, कुछ साबरी मंत्रों के द्वारा ये विधान होता है। तो जो लोग शांति कर्म में जो आता है मंत्र की जो 6 क्रिया है उसमें से एक शांति कर्म क्रिया है, तो उसमें जो तांत्रिक होते हैं, जो विद्वान जो होते, जो लोगों के कल्याण के लिए होते हैं, तो जैसे कंप्यूटर में वायरस भी होते हैं तो एंटीवायरस भी होते हैं, तो समाज में दुष्ट मानसिकता के तांत्रिक होते हैं तो समाज को ठीक कल्याण करने वाले भी तंत्र साधक और मंत्र साधक होते हैं। तो ऐसे जो विद्वान लोग होते हैं उन लोगों के माध्यम से ये जो साबरी मंत्र होते हैं उसके द्वारा वो लोग ऐसे मंत्र सिद्ध करते जिससे कि तांत्रिक क्रियाएँ नष्ट हो सके, तो उनके द्वारा भी अपने इलाज करवा लेते हैं तो तांत्रिक बाधा दूर हो जाती है। दूसरी बात, हमारे घर परिवार में ये सब तांत्रिक बाधा न हो इसके लिए अपने घर को बंधन करके रखना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम, मैंने आपको बताया, नारायण कवच है, नारसिंह कवच है, अमोघ शिव कवच है, दुर्गा कवच है, दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच आप पढ़ सकते हैं, काली कवच है ये पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप कवच यदि पढ़ेंगे तो ये सब तांत्रिक बाधाओं से आप बच सकते हैं, ये बचने के उपाय हैं। उसका लेकिन तांत्रिक क्रिया अगर हो गई तो समाधान क्या है, तो बगलामुखी पंजर स्तोत्र, वडवानल स्तोत्र और विपरीत प्रत्यंगिरा स्तोत्र, ये सारे विधान हैं। और कुछ हनुमान जी के मंत्र भी होते हैं। और सबसे अंतिम जटिल प्रयोग होता है परविद्या भक्षिणी प्रयोग, माँ बगलामुखी पीताम्बरा का, जो किसी विशेष परिस्थिति में ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये वीडियो आज तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन तंत्र के विषय में इतना मुझे जानकारी देना लोगों को आवश्यक था कि इसके एक एक पहलू को और एक एक विषय को हम लोग ठीक से समझ सके। और एक और सरल समाधान में इसमें और बता देना चाहता हूँ कि भगवान गणेश जी का भी आराधना, अगर घर में कोई भूत प्रेत बाधा होती है तो गणेश जी की आराधना घर में सबसे पहले, सबसे सरल ये है कि आप कभी भी जीवन में साधना करना चाहते, उपासना करना चाहते हैं तो एक बार श्री गणेश जी का जो है एक मंत्र का अनुष्ठान कर लेना चाहिए, उनमें कोई इतना विशेष दोष लगता नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप कोई भी मंत्र करें तो दीक्षा लेकर ही करें। स्तोत्र आदि जो पाठ होते हैं जैसे वडवानल स्तोत्र है, बगलामुखी पंजर स्तोत्र है, इसके लिए उतनी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। साबरी मंत्रों में भी कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो जगत कल्याण के लिए होते हैं, उनमें भी दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, वो भी सहज में सिद्ध हो जाते हैं। अभिचार कर्म नष्ट करने वाले जितने मंत्र हैं, अगर उसको आप ग्रहण में, होली दीपावली में आप सिद्ध कर लेते हैं तो एक आध कोई सिद्ध करके रखना चाहिए, कभी कोई ऐसा किसी के ऊपर हो जाए तो अपन उसका भला कर सके। परंतु यदि कोई अनुष्ठान करना है, मंत्र अनुष्ठान करना है, तो ये सभी के लिए हैं कि भाई आप
स्वयं पहले उसके मंत्र की दीक्षा ग्रहण करें, उसको विनियोग उसका न्यास सीखे, फिर उस मंत्र का स्वयं अनुष्ठान करे। जब अनुष्ठान जब सिद्ध हो जाता है, सवा लाख कम से कम जो उसका जितना मंत्र का हम लोग उसका अक्षर का मंत्र होता है उतना लाख जब उसका दशांश हवन तर्पण मार्जन आदि करने से मंत्र सिद्ध होता है, जब वो मंत्र सिद्ध होता है तब आप जगत कल्याण के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से जो ब्राह्मण लोग किसी के यहाँ जाते हैं किसी जप वगैरह करा देते हैं कि भाई चलो हम करा देते, तो पहले तो उन लोगों को वो मंत्र सिद्ध होना चाहिए तभी वो मंत्र काम करेगा उनके लिए, अपने उनके यजमानों के लिए, अन्यथा वो मंत्र काम नहीं करेगा। बस फिर अपना भले ही वो पुण्य तो मिल ही जाता है, माना कि कोई भी कर्म का फल व्यर्थ जाता नहीं है, लेकिन जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल तभी मिलेगा जब वो मंत्र उनको सिद्ध होगा। तो इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता, तो भाई जब आप छोटा सा भी ये भी सीखना है तो वहाँ गुरु की आवश्यकता है, ये तो बहुत जटिल क्षेत्र होता है। इसलिए मंत्र के क्षेत्र में यदि प्रवेश करना है तो बिना गुरु के कभी आगे कदम आगे नहीं बढ़ा रहना। नाम भगवान का जप सकते हो, स्तोत्र पढ़ सकते, स्तुति कर सकते हैं, उपासना कर सकते, आराधना कर सकते, दर्शन कर सकते हैं, लेकिन साधना का जो क्षेत्र है वो अलग है। और वहाँ से जब मंत्रों का जो क्षेत्र है, साधना का जो क्षेत्र है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। और वैसा ही गुरु चाहिए जो उस जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की आप साधना करना चाहते हैं, वैसे गुरु से आप दीक्षा लेकर आप इसका समाधान कर सकते हैं। आज बस इतना ही इस विषय में मैं जो जानकारी देनी है दे दिया हूँ, और मैं यहीं पर इसका समापन करते हैं वीडियो का। नारायण नारायण नारायण।